नमस्कार। सारा जी Good evening, what's up? How are you guys? Good. So first of all, what are your expectations from the evening? Fantastic evening, lots of great performances. I'm thoda bahut host kar raha hu, perform bhi kar raha hu, so I'm looking forward to a great night. Okay, so how do you look at this year? Matlab this year has given the biggest hit of the biggest hit Kabir Singh. Yeah. So what do you want to say about it? I'm just very overwhelmed with this year. It's been a very gratifying year. I have only the audience to thank because jo bhi pyar Kabir Singh ko mila hai wo audience ne diya hai. हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फिल्म इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी या लोग इतना ज़्यादा प्यार देंगे फिल्म को. सो इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग व्हाट हैपेंड विद कबीर सिंह. कई साल वेट करने के बाद मुझे इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म मिली है. सो आई फील वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल. कभी कभी ऐसा लगता है आई डोंट डिजर्व इट, बट आई एम वेरी वेरी जस्ट वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल. एंड आई वॉन्ट टू जस्ट थैंक द ऑडियंस. कोशिश यही रहेगी कि आगे वही फिल्में करूँ जो ऑडियंस को पसंद आएँ और वैसी फिल्में करूँ जो हर तरह के ऑडियंस समझ सकें. मैंने हमेशा से यही कहा है कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि ऑडियंस बाहर निकले या उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ये फिल्म ऐसी नहीं होनी चाहिए थी या ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है. वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. जिस तरह लोगों को फिल्में बनाने का हक है, उसी तरह हर इंसान को फिल्म पे कमेंट करने का हक है. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दैट आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग ग्रेट एक्टर्स जिनका सबसे बड़ा एम ये नहीं था कि मैं कैसे कैरेक्टर्स प्ले करूँ कि लोग मुझे बहुत ही अच्छी नज़र से देखें. वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स, नॉट वेल बिहेव्ड कैरेक्टर्स, हर तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और मुझे ये नहीं लगता कि ऑडियंस इतनी स्टूपिड है कि उन्हें लगता है कि इंसान जैसा कैमरे के ऊपर बिहेव कर रहा है आम जिंदगी में भी वो वैसा ही है. इनफैक्ट मेरे पिछले 7-8 परफॉर्मेंसेज में कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से सिमिलर नहीं है. लोग ये जानते हैं कि आम आदमी में शाहिद कपूर कौन है, वो कौन से जिम में जाता है, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी बीवी क्या करती हैं, वो ये सब जानते हैं. और जब वो फिल्म देखते हैं वो एक फिल्म को एक फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टाइम पास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या एक आर्ट फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किसी ने अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस किया. और एक अच्छी फिल्म का डेफिनेशन ये नहीं होता कि उसमें कितनी अच्छी चीज़ें दिखाई गई. उसका डेफिनेशन ये होता है कि जो भी वो दर्शा रही थी उसने उसको कितनी सच्चाई से और कितनी पोटेंसी से दर्शाया कि ऑडियंस उससे कितना इफेक्ट हुई. एंड आई थिंक ऑन दैट कबीर सिंह वॉज अ 10/10. हमने कहीं भी किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है. कबीर सिंह के बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी मेस्ड अप कैरेक्टर है और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो अच्छे लोगों को नहीं करनी चाहिए.
लेकिन हमने कभी ये कहा ही नहीं था कि कबीर सिंह बहुत ही अच्छा इंसान है और वो अच्छी अच्छी चीज़ें कहेगा. शुरुआत से प्रोमो में हमने यही कहा था दैट दिस इज़ अ फिल्म अबाउट अ वेरी वायलेंट मेस्ड अप कैरेक्टर, लेकिन उसके अंदर एक दिल है, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी है. और कई बार सिनेमा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के अंदर की अच्छाई को भी ढूंढता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम में से कोई भी इंसान जो है उसने पूरी ज़िंदगी तह ज़िंदगी बिना कोई गलत काम किए या किसी गलत फेस से गुजरे कोई भी नहीं होगा यहाँ पे. मैं खुद अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब मैं अपने जीवन को मुड़ के देखता हूँ तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे. मैंने कई बार लोगों से जाके माफ़ी मांगी है, कई बार नहीं मिल पाया उनसे, मन में ऐसा रह गया कि यार कभी मौका मिलेगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा. तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम सब के अंदर अच्छा और बुरा दोनों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो फिल्में जो हैं वो सिर्फ कैंडी फ्लॉस हो जाएंगी, अबाउट थिंग्स दैट डोंट रियली एग्जिस्ट. और अगर आप सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो पहले आपको उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा. अगर बैड बिहेवियर वायलेंस एक प्रॉब्लम है तो अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं तो लोग उसके बारे में बात कैसे करेंगे. आज कबीर सिंह फिल्म रिलीज़ हुई उस वजह से बहुत सारे लोगों ने उठकर ये बात की कि यार ये बिहेवियर सही है, ये बिहेवियर सही नहीं है. वो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन हो गया, कितने लोगों के बीच में ये बात हुई. सिनेमा का काम है लाइफ को दर्शाना, इट्स हैज़ टू मिरर लाइफ एंड टू ब्रिंग अप कॉन्वर्सेशंस. सिनेमा का काम ये नहीं है कि वो चीज़ों को सॉल्व करे, सिनेमा का काम ये है कि वो बताए कि हमारी सोसाइटी यहाँ है और जो लोग उस फिल्म को देख रहे हैं वो उसको देखकर खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या बदलना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है. कबीर सिंह एक अडल्ट फिल्म थी, वो बच्चों के लिए नहीं थी. एक उम्र होती है जब आप शायद ये नहीं देख पाते कि सही क्या है और गलत क्या है. द पावर ऑफ डिस्क्रेशन इज़ नॉट देयर एट अ यंग एज. फिल्म अडल्ट्स के लिए थी और मुझे लगता है अडल्ट्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो एक फिल्म को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हीरो एक फिल्म के अंदर गन लेके 10 लोगों को मार रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी वही करेंगे, या अगर एक फिल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी बीच में ऐसा कुछ करना शुरू कर देंगे, या अगर एक फिल्म के अंदर कोई वायलेंट बिहेवियर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है बाहर जाके वायलेंट हो जाएंगे. वो कहेंगे एक्टिंग अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, कहानी अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, मज़ा आया कि नहीं आया, कुछ ऐसा दिखा कि नहीं दिखा कि जीवन में ऐसा होता है यार ये चीज़ें दिखानी चाहिए. सो आई थिंक सिनेमा इज़ ऑल्सो अ थेरेप्यूटिक मीडियम वे यू गेट टू सी थिंग्स एंड यू लर्न वाइल बींग इमोशनली अफेक्टेड बाई वॉट यू सॉ अबाउट लाइफ. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड इन वैन यू रिफ्लेक्ट लाइफ यू हैव टू रिफ्लेक्ट इट ऑनेस्टली. यू कैन नॉट रिफ्लेक्ट इट इन अ हिपोक्रिटिकल मैनर बाई शोइंग सम थिंग्स एंड नॉट शोइंग सम थिंग्स. इन अ डेमोक्रेसी एंड इन वेन एवर यू मेक सिनेमा इन द ट्रू सेंस यू हैव टू बी एबल टू show different types of characters. That's my understanding of acting, that's my understanding of cinema. I don't endorse anything Kabir Singh did, but that doesn't mean that it's not my job to represent him correctly, because I'm an actor. It's your job to decide what you think is right about what Kabir Singh did and wrong about what Kabir Singh did as an audience, and I leave that right to you. I don't want to tell you as an audience ki aapko ye dekhna chahiye aur ye hum nahi banayenge kyunki ye aapko ye nahi dekhna chahiye. किसी भी अडल्ट को कोई नहीं बताना चाहिए कि उनको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए. उस इंसान को खुद डिसाइड करना चाहिए. फॉर विच ऑल काइंड ऑफ फिल्म शुड बी मेड. बहुत लंबा था ना. मस्त था. रणवीर सिंह और लड़की आंख मार रहे थे, मैं बाजू से देख रहा था, फिर उन लोगों ने मुझे भी बुला लिया तो मैं भी पार्टी में शामिल हो गया. जी मेरे दो बच्चे हैं, सो ये सब छोड़िए, नींद कंप्लीट नहीं होती है. मैं यार यहाँ गाड़ी में सो जाता हूँ, मैं जब मुझे चांस मिलता है तो मैं ज़्यादातर गाड़ी में अकेला ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि एक डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है कहीं भी पहुँचने में, तो एक पावर नैप उसमें मिल जाता है विच रियली हेल्प्स, बट नींद की कमी हमेशा महसूस होती है. मैं बहुत नर्वस हूँ यार, कबीर सिंह के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सही फिल्म होगी अगली, लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन होगा. ऐसा लगता है मैं तो इस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर ही नहीं सकता, बिकॉज पीपल हैव लाइक्ड इट एंड लव्ड इट सो मच. आई हैव नेवर गॉट सो मच लव बिफोर, सो आई रियली डोंट नो व्हाट विल बी द राइट फिल्म टू डू नेक्स्ट. व्हाट आई विल से अबाउट जर्सी इज कि मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि मैं एक फिर से एक रीमेक करूँ. मेरे मन में था कि कोई ओरिजिनल फिल्म मिले तो मैं वो करूँ, लोगों को नहीं लगना चाहिए मैं यही कर रहा हूँ.
लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना और वो कहानी जब मैंने देखी वो फिल्म तो मेरे दिल को छू गई, बिकॉज हालांकि वो क्रिकेट पे बेस्ड है लेकिन वो एक 36-year-old के बारे में है जिसका एक 6 साल का बेटा है जो क्रिकेटर था और अब वो छोड़ चुका है, और 36 साल की उम्र में फॉर सर्टन रीजंस वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं फिर से जाके वही करूँगा जो मुझे आता है, जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ और जो मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, विच इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट। तो मैं पर्सनली बहुत रिलेट किया मैंने इस कहानी के साथ, क्योंकि मैं भी 38 का हो गया हूँ और कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार ये मेरा ब्लॉकबस्टर पिक्चर तो आ नहीं रही है तो मैं क्या करूँ यार, कुछ और ट्राई करूँ क्या, मेरे को ऐसा लगता था यार, यू नो। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो, यू नो, आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए यार, चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। तो वो फिल्म का मैसेज जो है ना, वो उस टाइप का मैसेज है। तो मुझे वो एक्चुअली, मैं 4 बार रोया जब मैंने वो फिल्म देखी। और ये कैरेक्टर बिल्कुल भी कबीर सिंह जैसा नहीं है, ही इज़ अ वेरी शांत कैरेक्टर, क्वाइट है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी और जर्नी है मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। मुझे ऐसा लगा ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी ऐसे वीक मोमेंट से गुजर चुका हूँ जब मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कुछ और ट्राई करे क्या यार, अपना थोड़ा टाइम नहीं, इधर मन बन नहीं रहा है। लेकिन दिस इज़ द ओनली थिंग आई नो यार, मेरे को एक्टिंग आती है, आई लव एक्टिंग, आई लव मूवीज़, तो मैं ट्राई करते रहता था। और ये फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा आई वॉन्ट टू से दिस टू द ऑडियंस, दैट्स व्हाट जर्सी इज़ अबाउट। नहीं यार, वो एक छक्का लगा था, वो क्लिप बहुत अच्छा मिल गया तो मैंने कहा इसको पोस्ट कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि जब हम फिल्म करें तो हम 99% रियल सीजन बॉल से ही क्रिकेट खेलें, क्योंकि कई बार आप विदाउट बॉल शूट करते हो और पोस्ट में बॉल को डालते हो, या रबर बॉल्स होती हैं विच आर पेंटेड लाइक सीजन बॉल्स, आप उनके साथ खेलते हो। लेकिन सीजन बॉल के साथ खेलने का जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग होता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है। तो हमारी कोशिश है कि वी ट्राई एंड मेक इट एज रियल एज पॉसिबल, एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। तो इसलिए मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्रिकेट की, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पॉइंट तक पहुँच पाऊँ जहाँ पे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर लगता हूँ। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स फिल्म में आप जब भी बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो स्पोर्ट है वो ऑथेंटिक लगनी चाहिए, बिलीवेबल लगनी चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट, लेट्स सी हाउ इट गोज। सर काम कर रहा हूँ सर, एक्चुअली पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मेरी 7-8 दिन के जो स्केड्यूल्स हैं वो काफ़ी हिल गए। तो मैं न्यू ईयर और क्रिसमस पे शूटिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी लोगों का इंपॉर्टेंट टाइम ख़राब कर चुका हूँ अपनी बीमारी की वजह से। मैं अब बहुत बेहतर हूँ, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट आई हैव टू कवर अप फॉर टाइम। ऑफकोर्स Of course. This is Shahid Kapoor wishing everybody, all the viewers out there, a very, very Merry Christmas, a very, very Happy New Year. Let's make the right resolutions this year. Let's save the planet this year. Let's be more responsible this year. And let's be less critical this year. Let's learn to appreciate. Thank you. Thank you, Shahid. Nailed it.